प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमतिया केंद्र हेठौड़ा राखे के प्रस्ताव दू तिहाई बहुमत से पारित। पत्रकार उमा सिंह के नाम में 5 लाख अक्षय कोष स्थापना। नेकपा सभामुख चयन करे न सकला बाद संसद बैठक 9 दिन टरल। यौन धंधा के आरोप में गेस्ट हाउस संचालिका सहित 3 जने पकड़ाइल। सिमरौनगढ़ के पर्यटकीय शहर बनायम कहनी नगर प्रमुख विजय शंकर यादव। आप 12 के श्री रामचरित्र मावी में एक दिने आका शिविर संपन्न। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमती या केंद्र हेठौड़ा बनावे के पक्ष में 2/3 मत गिरल बा। आज बैठल प्रदेश 3 के प्रदेश सभा बैठक से प्रदेश के नाम और राजधानी बारे निर्णय कैले बाटे। आज बैठल बैठक में भइल मतदान में प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमती या केंद्र हेठौड़ा बनावल जाओ कह के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल के प्रस्ताव के पक्ष में 105 मत आ ना होके के सही पक्ष में 3 मत गिरल बा। प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमती या केंद्र हेठौड़ा बनावे के निर्णय इससे पहले सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक से निर्णय कैले गए रहे। नेकपा के प्रदेश 3 संसदीय दल से समेत उहे निर्णय कैले रहे। नेकपा के नेता सब रहल असंतुष्टि के बीच प्रदेश नंबर 3 के केंद्र हेठौड़ा बनावे के निर्णय भइल बाटे। पहलका शहीद महिला पत्रकार उमा सिंह के नाम में जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह अक्षय कोष स्थापना करके घोषणा कैले बनी। जनकपुर में आज विजिट मधेश द्वारा आयोजित तराई मधेश पर्यटन प्रबंधन संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में संबोधन करत प्रमुख शाह शहीद पत्रकार सिंह के नाम में 5 लाख अक्षय कोष घोषणा कैले बनी। प्रमुख शाह से आए वाला वर्ष से पत्रकार के विभिन्न संघ संस्था के सहयोग में न्याय असमानता के खातिर कलम चलाए वाला पत्रकार के छनौट करके सम्मानित करके जानकारी करनी। क्रसर डॉन से टिपर चालक के रकम के प्रलोभन देखा के अवैध उत्खनन रोकेला दिलीप कहल जाए वाला ओम प्रकाश महतो के हत्या करे लगावल रहस्य खुलल बाटे। मिथिला नगर पालिका 5 श्रीपुर के ओम प्रकाश के सु के टिपर से किच के हत्या कल गेल रहे। चुरिया माई बालुआ प्रशोधन उद्योग के मालिक विपिन महतो से दिलीप के हत्या करावल गेल स्रोत के दावी रहल बा। उत्खनन रोके गए दिलीप के क्रसर धनी विपिन लोडर चालक महोत्री बर्दिवास नगर पालिका 12 के जितेंद्र कुमार बर्दिवास 9 पशुपति नगर के टिपर ड्राइवर मुनिंद्र महतुआ दिलीप के साथ संघतिया रोशन यादव के पकड़ाव कल गल जिला प्रहरी कार्यालय धनसा के एसपी रमेश बसनेत बतैनी। टिपर से किसी से पहले विपिन के पहले दिलीप संगे झगड़ा करत लीवर से पिटले रहे। कुटाई से गंभीर घायल भइल दिलीप की हत्या करे के योजना नदी में ही बनल रहे। योजना बनल अनुसार ही टिपर चालक से दिलीप ऊपर टिपर चलावल गेल रहे। किच के हत्या करावेला क्रसर धनी विपिन से टिपर चालक मुनिंद्र के 50,000 में डील कैले रहे। सत्तारूढ़ नेकपा भीतर सभामुख के अंत न लगला पर संघीय संसद अंतर्गत प्रतिनिधि सभा के बैठक माघ 6 बजे तक स्थगित कल गई बाटे। सभामुख चयन करे के कार्यसूची रहला में सत्तारूढ़ नेकपा से उम्मीदवार के अंत लगावे न सकला बाद बैठक स्थगित कल गई बाटे। बैठक से पहले भी 2 बेरी सूचना साठ के स्थगित कल जा चुकल रहे। उपसभामुख डॉक्टर शिव माया तुम्बहांग फे से राजीनामा देवे के अस्वीकार कैले बाद संसद में थप गतिरोध देखल गई नेता लोग के आरोप रहल बा। यौन व्यवसाय संचालन कैल आरोप में धनुषा के छिरेश्वर नाथ नगर पालिका 5 स्थित पेपर मिल रोड में रहल सुविधा गेस्ट हाउस के संचालिका सहित 3 जने के प्रहरी पकड़ाव कैले बा। प्रहरी से बीतल रात उक्त गेस्ट हाउस से अश्लील क्रियाकलाप कर रहल 1 महिला आ 1 पुरुष के पकड़ाव कैले बा। 12 के कलई उपमहानगर पालिका आज सार्वजनिक विदा दिल रहे। पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर में उपमहानगर पालिका से आज सार्वजनिक विदा दिल गए रहे। बीतल आषाढ़ में भइल चौथा नगर सभा से भइल निर्णय के आधार में पूछ 27 गति पृथ्वी जयंती आ राष्ट्रीय एकता दिवस में विदा देवे के निर्णय कैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेलवास सूचना प्रकाशित करके जानकारी करेनी। कार्यपालिका के कार्यालय सभे वार्ड समिति के कार्यालय शैक्षिक संस्था स्वास्थ्य संस्था में सार्वजनिक विदा देवे के सूचना में जनावल गेल बा।
बारह सिमरनगढ़ नगर पालिका के नगर प्रमुख विजय शंकर यादव सिमरनगढ़ के पर्यटकीय शहर बनावे के प्रयास करके बतैले बानी। नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघ बारह के 11वां वार्षिक साधारण सभा के काल सिमरनगढ़ में उद्घाटन करत तो वहाँ कैसन बतैले बानी। बारह उद्योग वाणिज्य संघ के सिमरनगढ़ शाखा के सभा कक्ष में भइल उक्त साधारण सभा के उद्घाटन सत्र के वहाँ के प्रमुख अतिथि रहनी। यादव महासंघ के बारह इकाई कमेटी से यहाँ आयोजन करके संघ में आवत व्यवसाय के सिमरनगढ़ ले आवल कहत खुशी व्यक्त कनी। सिमरनगढ़ के ऐतिहासिक नगरी में रहल बतावत वहाँ के एकर विकास के खातिर प्रदेश तथा संघीय सरकार से योगदान करे में जोर देनी। नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी बारह के अध्यक्ष सागर ठोकर के अध्यक्षता में साधारण सभा भइल रहे। अस्थायी प्रहरी पोस्ट बस पार्क बारह से खटल प्रहरी टोली से बीतल शुक्र के अवैध लागू गांजा खेती नष्ट कर गए बाटे। प्रहरी से कल महानगर पालिका वार्ड नंबर 27 बिजलपुर टोल में अवैध रूप में लगावल गई गांजा खेती नष्ट कर ले बा। प्रहरी अंदाजी 200 गांजा के झार फड़ानी करके नष्ट कर जिला प्रहरी कार्यालय बारह के प्रहरी न्याय उपरीक्षक गौतम मिश्र जनैली बानी। बारह के महागढ़ी में नगर पालिका वार्ड नंबर 1 और 10 में शीतलहर से बचे खातिर स्थानीय दलित असहाय विपन्न वर्ग के कंबल वितरण कर गई बाटे। महागढ़ी में नगर पालिका 11 गंज भानीपुर में स्थानीय दलित महिला पुरुष सबके कंबल वितरण कल गए बाटे। कंबल वितरण कार्यक्रम के संबोधन करते वार्ड अध्यक्ष चंदन शाह शीतलहर आ जाड़ से बचे ला ऊनी कपड़ा लगावे के बतैले बानी। स्थानीय 100 जने दलित असहाय महिला सबके कंबल वितरण कल गए रहे। ऐसा ही महागढ़ी में नगर पालिका 1 बरियारपुर में वार्ड अध्यक्ष सुदामा शाह के अध्यक्षता में स्थानीय असहाय विपन्न ज्येष्ठ नागरिक के कंबल वितरण कल गए वार्ड सचिव रामबाबू शर्मा बतैनी। फैसला कार्यान्वयन के सिलसिला में बारह जिला अदालत के विभिन्न मिति में फैसला आदेश से विभिन्न मुद्दा में कैद जरिवाना ठहर होकर फरार रहल 5 जने के बारह प्रहरी काल पकड़ाऊ कैले बाटे। प्रहरी टोली से पकड़ के सम्मानित बारह जिला अदालत में प्रस्तुत कैल गेला में अदालत के आदेश से 1 महीना कैद 2000 जरिवाना लागल पकड़ाऊ प्रतिवादी विनोद राउत बारी के कैद भुगतान के खातिर कारागार कार्यालय बीरगंज भेजल गेल बा। 4 प्रतिवादी लोग खुद से ठहर अनुसार के जरिवाना रकम दाखिल करके छूटल बा लोग। ऐसे ही छूटे वाला में कलगे उप महानगर पालिका बारह धर्मनगर कहे वाला रहे वाला रामरूप महतो धानुक भगवान शाह कानू विश्रामपुर गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 रहे वाला लक्ष्मण शाह गोड़ फेटा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 रहे वाला श्याम प्रसाद पटेल खुद से लागल जरिवाना दाखिल करके रिहा भइल जिला प्रहरी कार्यालय बारह के प्रवक्ता गौतम मिश्र एक विज्ञप्ति जारी करके जनैले बानी। नेपाल नेत्र ज्योति संघ राम कुमार महावीर प्रसाद कटियाका अस्पताल परवानीपुर बारह चिउटाहा के श्रीरामचरित माध्यमिक विद्यालय में 1 दिन निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न कैले बाटे। नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी इनारो माल उपशाखा के सह आयोजना में शिविर सम्पन्न भइल बाटे। उक्त शिविर में करीब 425 जने सेवा लेले बा लोग। विशेष करके मोतियाबिंदु के रोगी लोग ज्यादा मात्रा में शिविर में सेवा लेवे आयल नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी इनारो माल उपशाखा के जितेंद्र गिरी बतैनी। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसी अब सवेरे 13 दोपहरिया 21 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गए बटे। ऐसे ही आज सवेरे 6:55 में बेर उगल रहे। साझिया 5:30 में बेर डूबल रहे। आज की खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 3 के नाम बागमती केंद्र है ठौड़ा रखे के प्रस्ताव दूत यही बहुमत से पारित। पत्रकार उमा सिंह के नाम में 5 लाख एक्चेकों से स्थापना। नेकपा सभामुख चयन करे ना सकलाबाद संसद बैठक 9 दिन टरल। यौन धंधा के आरोप में गेस्ट हाउस संचालिका सहित 3 जने पकड़ाई। सिमरनगढ़ के पर्यटकीय शहर बनायम कहनी नगर प्रमुख यादव और 12 के श्रीरामचरित्र मादि में 1 दिन आखा शिविर सम्पन्न। बारह जिला के सिमरनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पत्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सईद हम नूर आलम बादशाह के बिदा दी नमस्कार।